संबल में मानव अधिकार सामाजिक सुरक्षा प्रहरी की महिला विंग की महिलाओं ने हयात नगर के शिव मंदिर में सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया। दीपा वार्ष्णेय ने कहा कि भगवान श्री राम हनुमान की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर। स्वार बसपा प्रत्याशी पूर्व चेयरमैन ने स्वार क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं की। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि आज बसपा प्रत्याशी को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। मुरादाबाद के अगवानपुर क्षेत्र में आज सुबह हुई एक व्यक्ति की हत्या, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक साइकिल से काम करने के लिए आ रहा था, महानगर की ओर आते समय उसे अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। संबल में राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा की हुई बैठक, जिसमें अभिषेक गुप्ता को संगठन का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। बिलसी के अंबियापुर विकासखंड के गांव सिरतोल स्थित प्राथमिक विद्यालय पर शासन के निर्देश पर बच्चों को निशुल्क 2 सेट यूनिफॉर्म का वितरण। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक भारती और बदायूं के नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता द्वारा किया गया। बिलसी थाना क्षेत्र के गांव दीननगर शेखपुर मझारा में बीती रात एक वृद्ध किसान द्वारा सिंचाई के लिए पाइप न देने पर हुई कासुनी के बाद उसकी फावड़े से सिर काटकर की हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। साथ ही पुलिस ने गांव वालों की मदद से आरोपी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद क्षेत्र में फैली सनसनी। लखनऊ के 4 प्राइवेट हॉस्पिटल में 48 कोविड-19 मरीजों की मौत, जीएम ने जारी किया नोटिस। पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। मंत्री स्वाति सिंह और उनके परिवार की महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दर्ज हुआ था मुकदमा। मथुरा में पुलिस मुठभेड़ में एक्सल गैंग के मास्टरमाइंड रामू को लगी गोली, डॉक्टर बोले काटना पड़ेगा पैर। बहराइच में कांस्टेबल के घर पार्टी में शराब पीकर पुलिसकर्मियों का जमकर हंगामा और मारपीट, 8 निलंबित। चंदौली के इंडियन एयर गैस कंपनी में रिफिलिंग के दौरान ब्लास्ट, 3 मजदूरों की हालत गंभीर। मेरठ में वर्चस्व की जंग को लेकर फायरिंग, 3 बच्चों समेत दर्जन भर घायल, फलावदा क्षेत्र का मामला। शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे 24 पर प्राइवेट बस खाई में पलटी, 2 दर्जन यात्री घायल, महिला गंभीर। योगीराज में टूट गया मुलायम परिवार का तिलिस्म, 30 साल बाद सहकारी ग्राम विकास बैंक पर भाजपा का कब्जा। गोंडा पुलिस ने छपिया थाना क्षेत्र में बुजुर्ग किसान की हुई हत्या का किया खुलासा, 2 को भेजा जेल।